हमने नाउन जाना, प्रोनाउन जाना, ठीक है, एडजेक्टिव जाना। अब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है, कोई काम किया जाता है, किसी काम का करना या होना क्या कहता है, वर्ब कहलाता है। और वर्ब देखिए वर्ब की क्या भूमिका होती है, बाय चांस देखिए आपकी, मैं बताता हूँ वर्ब की क्या भूमिका होती है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। मान जाते कि किसी सेंटेंस को बनाने में हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से मैंने बताया, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है। तो देखिए आप इधर देखिए, हमने जैसे लिखा सब्जेक्ट, इधर देखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें किसी सेंटेंस को बनाने में हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाई चांस, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कोई चीज हो, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा, ऐसे याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने इसको एक गाड़ी माना, मतलब मैंने इसको एक गाड़ी माना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये गाड़ी है, पीपी बोल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए इस गाड़ी में, ठीक है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब नहीं है, तो गाड़ी चलेगी। मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, ये पहिया है, मान लीजिए ये पहिया है, ठीक है, ये पहिया है, माने सब्जेक्ट भी एक पहिया है, ऑब्जेक्ट भी एक पहिया है, वर्ब इंजन है, मान लीजिए वर्ब क्या है, एक इंजन का काम कर रहा, मान लीजिए, ठीक है, वर्ब एक इंजन का काम कर रहा, मान लीजिए इंजन को मैं निकाल दूंगा तो गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी ना, तो उसी प्रकार का किसी सेंटेंस में वर्ब क्या काम करता है, इंजन की काम, एक इंजन की तरह काम करता है एक सेंटेंस को बनाने में, किसी भी सेंटेंस में वर्ब को नहीं रहेगा तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। तो यह समझ गए आप लोग ना, जैसे गाड़ी में अगर ये सब्जेक्ट मान लीजिए भी एक पहिया है, भी पहिया इंजन नहीं है तो गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी, तो किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ब अगर नहीं है तो सेंटेंस आपका नहीं बनेगा, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम वर्ब को ऐड कर देंगे तो हमारी गाड़ी चलने लगेगी, तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगी, तो इसी नाते वर्ब की जरूरत पड़ती है हमेशा, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ये चीज याद रखिएगा। गाड़ी अगर चलानी है, समझे कि नहीं, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको हमेशा कभी नहीं बोलेगा, यानी कि कोई भी सेंटेंस, जैसे गाड़ी में इंजन की जरूरत पड़ती है वैसे सेंटेंस में वर्ब की जरूरत पड़ती है, बिना वर्ब के बिना हम नहीं सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, कोई सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। वर्ब क्या होता है, ठीक है, किसी सेंटेंस में वर्ब क्या करता है, हमारे इंजन के काम होता है, इंजन की तरह काम करता है वर्ब हमारा, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब मैंने बताया ना, ये गाड़ी की आगे की है, मान लीजिए सब्जेक्ट आपका एक पहिया है और ऑब्जेक्ट भी आपका एक पहिया है और वर्ब एक इंजन है, मान लीजिए मैंने इंजन को निकाल दिया तो गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी, उसी तरीके से किसी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं रहेगा तो सेंटेंस हमारा नहीं बनेगा। तो हम वर्ब इंजन लगा देंगे, अब बाईचांस इंजन लगा दिए तो गाड़ी तेजी से चलेगी, उड़ेगी, जैसे एयरप्लेन में तीन इंजन होता है तो उड़ती है ना, मैंने अगर इंजन हटा दिया तो क्या, सीधे आप नीचे आ जाओगे, एरोप्लेन में तीन इंजन होता है, अगर मैं मान लो किसी इंजन को हटा दिया, कुछ भी कर दिया तो क्या करोगे, एरोप्लेन ऊपर नहीं जाएगी, सीधे नीचे आ जाएगी, आप सीधे धड़म से नीचे गिर जाओगे, ठीक है। वर्ब आपने समझा, सेंटेंस में वर्ब का क्या काम होता है, इंजन की तरह, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा, वो सेंटेंस कभी नहीं बन पाएगा, बिना वर्ब का सेंटेंस किसी काम का है, कोई किसी का कोई काम का नहीं है, ठीक है। आइए अब हम वर्ब को जानते हैं, ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है वर्ब का, इन द वर्ड व्हिच शो द एक्शन आर स्टेट ऑफ थिंग्स, मतलब किसी चीज का क्रिया, अब एक्शन मतलब ऐसे समझना, धड़ाधड़ समझना, वो चीज एक्शन नहीं है, किसी काम का होना, कोई क्रिया, कोई काम, ठीक है, उसको हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, एक्शन मतलब ये समझिए जो अली जब मानते हैं वो एक्शन नहीं है, ये एक्शन अलग है, मतलब कोई काम, कोई क्रिया जो होगी, कोई काम होगा उसको हम एक्शन कहेंगे, ठीक है। एक्शन आर स्टेट ऑफ बींग, मतलब और स्टेट ऑफ बींग का मतलब क्या होता है, किसी कोई किसी का होना, जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैं हूँ ना, तो वो भी एक क्रिया है, एक वर्ब है, किसी का होना भी एक वर्ब होता है, ये चीज याद है, किसी काम का करना या होना, हिंदी में लिख दिया मैंने, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलेगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। द वर्ड्स व्हिच शो द एक्शन आर स्टेट ऑफ बींग, मतलब किसी शब्द से काम का क्रिया का होने या पता चले उसे हम वर्ब कहेंगे। कोई व्यक्ति वहां उपलब्ध है तो वो भी एक वर्ब है ना, कोई चीज वहां जो उपलब्ध होगी वो भी क्या होगी, एक वर्ब हो, जैसे मैं वहां पर हूँ, ठीक है, मैं वहां पर हूँ, वो भी तो एक वर्ब है,
ठीक है आइए अब इसको समझते हैं। ठीक है अब देखिए वर्ब क्या क्या होते हैं। वर्ब क्या है, गाड़ी में एक इंजन की तरह काम करता है, आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है जैसे स्पीक कोई चीज, अब बोल कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है तो वो एक काम कर रहा ना बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक काम कर रहा हूँ ना बोल रहा हूँ, मुझसे बोल रहा है तो वो भी क्या है एक वर्ब है। ठीक है लर्न कोई चीज याद कर रहा है, कोई एक काम कर रहा है, जैसे बच्चा पढ़ रहा है याद कर रहा है, तो बच्चा कोई काम कर रहा है ना तो वो भी एक वर्ब हो गया। गो जाना कोई बाहर जा रहा है तो वो भी एक काम कर रहा है, बाहर जा रहा है कौन सा काम कर रहा है, बाहर जा रहा है भैया कहीं गया। ठीक है टीच कोई पढ़ा रहा है, कोई अध्यापक आपको स्कूल में, आप स्कूल में बैठो हो कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो अध्यापक वो कौन सा काम कर रहा है, एक वर्ब कर रहा है, एक क्रिया वो भी एक काम कर रहा है, इसका क्या काम पता चला कि वो पढ़ा रहा है। ठीक है वॉक कोई टहल रहा है तो वो भी एक काम कर रहा है। ठीक है टीच कोई पढ़ा रहा है। ठीक है प्ले कोई खेल रहा है वो भी एक काम कर रहा है। आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या वो भी, अरे बाबू क्रिकेट खेल रहा है वो एक तो काम है, वो जो आप खेल रहे हो मतलब कोई काम कर रहे हो तो वो भी आपका वर्ब होगा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जो भी आप मतलब क्रिकेट खेल रहे हो लिख रहे हो वो भी एक काम है। ठीक है किसी को गाली दे रहे हो वो भी एक काम है। जो भी आप ये चीजें जो भी आप करते हो वो क्या है एक वर्ब है। ठीक है देखिए कुछ वर्ब होते हैं जैसे किसी का होना, कोई व्यक्त होना, किसी को उपलब्धि उपलब्ध होना भी एक वर्ब होता है, जैसे इज। ठीक है एम आर। ठीक है जैसे आई एम हियर मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है एम क्या हो गया एक वर्ब का काम कर दिया। ठीक है जैसे सी जे ऑनेस्ट मैन। ठीक है वह एक ईमानदार व्यक्त है यार है ना, तो है क्या हो गया एक इज क्या हो गया एक वो हो गया वर्ब हो गया। ठीक है कोई चीज का होने का अगर कोई प्रतीक बता रहा है, कोई चीज है होने का प्रतीक बता रहा है तो वो क्या होगा एक वर्ब होगा। किसी याद रखा जैसे इज एम आर वाज वेयर हैव ये सब क्या है ये भी एक वर्ब है। ये चीज याद रखेगा मतलब किसी चीज का होना पाया जाएगा तो वो भी एक वर्ब है। ठीक है अब आइए हम इसे एग्जाम्पल को थोड़े समझते हैं अच्छे से। ठीक है एकदम एग्जाम्पल। ठीक है आई लाइक इंग्लिश। ठीक है मुझे इंग्लिश पसंद है भैया कौन सा काम मुझे पसंद है लाइक ना मैं पसंद कर रहा हूँ ना तो ये भी क्या है कोई चीज काम ही तो है मैं पसंद कर रहा हूँ जो काम मुझे पसंद होगा वही करूंगा तो लाइक क्या हो गया एक वर्ब हो गया। सी कम्स हियर एवरी डे वह प्रत्येक दिन आती है तो मैंने बताया था कोई काम होना वो आती है एक काम कर रही है ना तो कम्स क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। ठीक है सी वर्क्स इन ए कंपनी वह एक कंपनी में काम करती है भैया कंपनी में कौन सा कर रही है वर्क कर रही है ना काम कर रही है ना मैंने कहा था किसी शब्द के किसी से काम का होना आपको पता चले यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है हम वर्ब कहते हैं। तो सी वर्क इन कंपनी वो कंपनी में काम करती है तो कौन सा काम कर रही है काम कर रही है ना तो हमारा एक वर्ब यहाँ हो गया। जैसे हर वर्क इज इजी अब देखिएगा आप लोग कहोगे यहाँ पे मैंने वर्क लगाया यहाँ पे भी वर्क लगाया। ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो क्यों ऐसा क्यों भैया ये इसका नाउन है ये नाउन का काम कर रहा है हर वर्क यानी कि उसका काम ये नाउन बना वर्क जो बचा ये वर्क जो हुआ ये नाउन का काम कर रहा है। ये चीज याद रखिएगा यहाँ पे वर्क नहीं होगा हर वर्क उसका काम ये उसका काम बहुत सरल है तो मैंने बताया ना हर वर्क मतलब हर वर्क क्या बन गया नाउन बन गया तो यहाँ और बनेगा वर्ब क्या बनेगा इज बनेगा हर वर्क इज उसका काम बहुत सरल है पता चला ना उसका हो रहा मतलब सरल है ना यहाँ इज क्या हो गया। सी जे टीचर वह अध्यापक है मैंने कहा किसी का होने का पता चले मतलब वो कमीना है गधा है कुछ चीज का होना पता चले वो भी एक वर्ब है। सी जे टीचर इज मैंने इज क्या होता एक वर्ब है। सी जे टीचर सी क्या हुआ प्रोनाउन है याद रखिएगा आप लोग। ठीक है मैंने एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है देखिए वर्ब एक इंजन की तरह काम करता है मतलब किसी सेंटेंस में एक इंजन अगर वर्ब किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो एक वर्ब क्या होता है एक इंजन की तरह काम करता है किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं है वर्ब तो इनकम्प्लीट है सेंटेंस। ठीक है मैंने आपको बताया आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ पोस्ट करिएगा कुछ बोलिएगा मेरे लिए आप मैंने एडजेक्टिव बताया कुछ मेरे लिए मेरे लिए आई होप आपको अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में मैंने आपको आज एडजेक्टिव पढ़ाया वर्ब पढ़ाया एडजेक्टिव कोई भी मेरे बारे में एडजेक्टिव ठीक है कोई भी एडजेक्टिव वर्ड कमेंट में पोस्ट करिएगा ठीक है जो मुझे अच्छा लगे। ठीक है आपने एडजेक्टिव अच्छे से समझा। ठीक है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और मतलब अपने ग्रुप में कहीं शेयर कर दीजिए और लोगों से ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ठीक है और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहे। ठीक है
अब ठीक है आई आप आपको आई होप पढ़ेंगे कंजक्शन पढ़ेंगे पीपल से इंटरजेक्शन से बाद में पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा। ठीक है आपको मैंने जितना पढ़ाया आप ठीक है वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में होगा जाके देखिए। अगर एक बार नहीं समझ आता चार पांच बार देखिए, मैं इतना कहता हूँ ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है 100% आपको ऐसा पढ़ाना हो जो आप कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है चलिए ठीक है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम जय हिंद।